रक्षा मंत्रालय की कमेटी में प्रज्ञा ठाकुर को शामिल करने पर क्यों उठे सवाल? क्या प्रज्ञा ठाकुर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफ कर दिया है? अपने विवादित बयानों के चलते अक्सर सुर्खियों में रहने वाली मध्य प्रदेश के भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर से चर्चा के केंद्र में है। हालांकि इस बार उनकी चर्चा किसी बयान को लेकर नहीं बल्कि केंद्र सरकार की ओर से मिली बड़ी जिम्मेदारी की वजह से हो रही है। जी हां, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रक्षा मंत्रालय की कमेटी में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। साध्वी प्रज्ञा को रक्षा मंत्रालय की कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इस कमेटी की अगुवाई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। डिफेंस मामलों की इस कमेटी में कुल 21 सदस्य हैं। इनमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी नाम है। कमेटी में चेयरमैन राजनाथ सिंह के अलावा फारूक अब्दुल्ला, ए राजा, सुप्रिया सुले, मीनाक्षी लेखी, राकेश सिंह, शरद पवार, जेपी नड्डा भी शामिल है। उधर साध्वी प्रज्ञा को मिली इस जिम्मेदारी से कांग्रेस बिफरी हुई है। कांग्रेस ने इसे देश के जवानों का अपमान करार दिया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अपने एक ट्वीट में लिखा, ये देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि आतंक फैलाने का आरोप झेल रही सांसद को सुरक्षा संबंधी कमेटी का सदस्य बना दिया। मोदी जी इन्हें मन से माफ नहीं कर पाए, लेकिन देश की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिम्मेदारी दे दी, इसलिए तो मोदी है तो मुमकिन है। इसके अलावा कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा गया है। ट्वीट में लिखा गया, आखिरकार मोदी जी ने प्रज्ञा ठाकुर को दिल से माफी कर दिया। आतंकी हमलों के आरोपी को रक्षा मंत्रालय की समिति में जगह देना उन वीर जवानों का अपमान है जो आतंकवादियों से देश को महफूज करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाए जाने के बाद से ही प्रज्ञा ठाकुर के बयान सुर्खियों में बने रहे। फिर चाहे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताना हो, विपक्षी नेताओं पर बीजेपी नेताओं के ऊपर मारक शक्ति का इस्तेमाल किए जाने वाला वक्तव्य हो, कई बार प्रज्ञा विवादों में रही। लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रज्ञा ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था तो विपक्ष ने काफी हंगामा किया था। बढ़ते विवाद के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि वो कभी भी प्रज्ञा को मन से माफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस जिम्मेदारी मिलने के बाद ये सवाल उठने शुरू हो गए कि क्या प्रज्ञा को पीएम मोदी ने माफ कर दिया है। इंडिया न्यूज़ वर्ल्ड की रिपोर्ट।